अब है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या है? क्योंकि रजिस्टर, ये हार्डवेयर की तरफ से बात करें आप, रजिस्टर एक तरीके की मेमोरी होती है जिसमें आप जो काम हो रहा है और जिसमें सीपीयू काम कर रहा है, वो चाहे तो टेम्पररी इसको रख सकता है, एक्यूमुलेटर की तरह रख सकता है। तो स्टोरेज इसका होगा सीपीयू के जो रजिस्टर्स, हर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर में अपने खुद के रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी होती है। तो इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू उसकी भी गार्बेज होती है, और इसका जो स्कोप होगा वो भी लोकल होगा ब्लॉक का जिसमें इसको डिफाइन किया गया है, और जब तक कंट्रोल उस ब्लॉक में रहेगा तब तक इसकी लाइफ रहेगी। स्टोरेज का मतलब ये है कि जब आप इसके आगे यहां कर रहे हैं रजिस्टर, जब आप सीपीयू रजिस्टर में रख रहे हैं, तो जब सीपीयू रजिस्टर में रख रहे हैं तो सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, सीपीयू इस पर डायरेक्टली काम कर रहा है, तो बहुत फास्ट होगा। तो अगर आपको एक ऐसी चीज है जो बार बार करनी है, वो आप सीपीयू रजिस्टर में रख सकते हैं। अगर एक वेरिएबल कई जगह यूज हो रहा है प्रोग्राम में, तो बेटर यह है कि उसको एज अ रजिस्टर आप रजिस्टर स्टोरेज रखें। जैसे लूप काउंटर्स है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है लूप काउंटर, जिसको आप रजिस्टर में रख सकते हैं। जैसे ये आई है, आई यहाँ 10 बार यूज होना है, 10 बार यूज होना, बल्कि 10 बार यहाँ पर 1, 2, 3, 4, और 4 को आप देख लीजिए, ये 10 बार चलेगा, ये भी 10 बार चलेगा, तो कितने बार हो गया, ये नंबर ऑफ टाइम्स हो गया ये, तो आई बार बार यूज होगा, क्यों ना इसको रजिस्टर दे दिया जाए। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे हमने आई को रजिस्टर में रखा, तो वो सीपीयू का रजिस्टर में जाके रखा जाएगा, और क्योंकि सीपीयू के रजिस्टर हमारे पास लिमिटेड है, वो बहुत ज्यादा नहीं होते, हो सकता है कोई और भी काम चल रहा हो, तो इसके लिए अगर वहां पर जगह नहीं मिलती है उसको, अगर आपने रजिस्टर कहा उसको कि रजिस्टर हम बनाना चाहते हैं और जगह नहीं मिली, तो वो ऑटो की तरह ट्रीट होगा। हर एक वेरिएबल जो है उसको आप सीपीयू रजिस्टर में रख सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर है जिसका 16-bit रजिस्टर होता है, उसमें आप फ्लोट भी रख सकते हैं, डबल भी रख सकते हैं, जो 4 और 8 byte लेते हैं। अगर आप रजिस्टर स्टोरेज क्लास लेते हैं फ्लोट डबल के लिए, तो आपको एरर तो कोई नहीं मिले, लेकिन क्योंकि 16-bit है और 4 पे जैसे गए, तो 4 × 8, 32-bit हो गया, तो उसको फिर वो ऑटो की तरह ट्रीट करेगा। स्टैटिक